फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सोया चंक्स का चूरा, न्यूट्रिला सोया ग्रेन्यूल्स। मैंने रखा है सरसों का तेल, तो मैंने उनको भिगो देती हूँ जब तक हमारा तड़का हो जाएगा, जब तक वो भीग जाएंगे अच्छे से, तो हम बनाएंगे आज न्यूट्री का चूरा 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 चूरा। मैंने लिया है प्याज, ये देखिए चॉप कर लिया, हरी मिर्च, ये थोड़ा सा लहसुन, और मैंने थोड़े से लिए हैं मटर के दाने, थोड़ा सा लिए है पनीर, हो सके तो मैं बंद गोभी भी डालूँगी, बाकी देखती हूँ क्या है कि कुछ पता नहीं चलता आजकल क्या डाले क्या ना डाले। सब्जियों की बहार है, विंटर का सीज़न, तो देखिए ये मैंने भिगो दिया है न्यूट्री का चूरा, और ये फूल गया है, इसे मैं निचोड़ लूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने डाल दिया, इसमें मैंने गैस की ना फ्लेम कम कर दी थी थोड़ी मीडियम आंच पे। देखिए इसे मैंने निचोड़ लिया है अच्छे से, अब हम डाल देंगे इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह। अच्छा चटपटा सा बनाएंगे फ्रेंड्स इसे, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये पता क्या है, बच्चे जिम वगैरह जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें ही उनको कहते हैं कि देते हैं। तो हम डाल देंगे इसमें अपने मटर, मटर हमारे पक जाएं फिर हम डालेंगे इसमें न्यूट्रिला और पनीर। थोड़े से पक जाए मटर, अच्छा लगता है, कच्चे कच्चे रहेंगे तो। पति देव जी आ रहे हैं आज इतने दिनों बाद घर, कितने एक हफ्ते बाद आ रहे हैं वो घर। तो फाइनली मैंने बंद गोभी भी इसमें डाल दी, बंद गोभी मैंने डाल दी फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे अपना कद्दू का किया हुआ पनीर, अब हम इसमें डाल देंगे अपने न्यूट्रिला। बहुत ही टेस्टी बढ़िया रेसिपी बनती है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बच्चों के लिए क्या सबके लिए बहुत बढ़िया रेसिपी, ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है ये। आजकल तो ये बनानी बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारी सब्जियां मिल जाती हैं बच्चों को इसमें डालने के लिए। मुझे ना बस यही रहता आने बहाने बच्चों को सब्जियां ही दी जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे सब्जियां से भागते फिरते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को सब्जियों के पीछे भगाऊँ, मेरे बच्चों को हर एक चीज़ में इतना टेस्ट आए कि वो मांग मांग करके खाएं कि मम्मा हाँ वो वाली सब्जी बनाओ वो वाली सब्जी बनाओ। तो देखिए आज हालत बड़ी खस्ता है मेरी कपड़े धोए थे ना कल मैंने, तो आज बैंड बज गया, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाया है। वैसे तो मेरे पास थोड़ा सा साग पड़ा है, मैं वो बनाऊ करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा साग को तड़का लगाया था। अनु देख पापा आए, देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हुई है। इसमें हम थोड़े से डाल देंगे अपने मसाले, ज़्यादा भी नहीं डालना। मेरे हाथ में बाल लगा दे, मेरे बाल खिल रहे बढ़िया ना आज। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, तो इसमें देख लेते हैं हम नमक वगैरह एकदम बढ़िया मज़ेदार। बस इसे भून लें अच्छे से,
ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं वैसे भी, अगर कुछ भी ना हो ना घर में खाने के लिए, तो ये वाली रेसिपी बहुत बढ़िया बनके तैयार हो जाती है और फटाफट से।